दोस्तों आज हम लौकी और उबले हुए आलू से टिक्की बनाने जा रहे हैं। तो मेरे पास ये छोटा सा लौकी का पीस है जिसे कि हम कद्दूकस कर लेते हैं। तो लौकी को मैंने कद्दूकस कर लिया है, इसे अब हम एक बड़े बर्तन में डाल देते हैं। इस लौकी में मैं डालूंगी अब 3 बड़े चम्मच चावल का आटा, थोड़ा सा डालूंगी हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे काली मिर्च पाउडर, डालूंगी कड़ी पत्ता, साथ में इसमें डालूंगी थोड़ा सा हरा धनिया, 1 चुटकी इसमें मैं डालूंगी खाने वाला सोडा। इसी के साथ मैंने 4 बॉइल आलू लिए हैं, ये बॉइल आलू भी इसी में डाल देते हैं। ये मैंने लिया है 1 कटोरी कॉर्नफ्लावर, हमें जितनी जरूरत होगी इसके अंदर हम डालेंगे। ये हम डाल देते हैं 1/2 कटोरी। अब इन सबको हम हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, लौकी का जो इसमें रस है इसी से ही पूरे आटा जो है मिक्स हो जाएगा। देखिए इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसे 5 मिनट के लिए रख देते हैं। अब इसकी हम टिक्की बनाएंगे। हम अपने हाथों पे थोड़ा सा कॉर्न फ्लावर लेंगे, ये थोड़ा सा बैटर उठाएंगे और इसकी इस तरह से गोल गोल एक पेड़ा बनाएंगे। पेड़ा बनाते हुए इसको टिक्की की शेप दे देंगे और इसको इस तरह से किसी थाली में रख देंगे। और इस तरह से पेड़ा लेके आप इसे राउंड शेप दे सकते हो। दोस्तों हम लेंगे तवा, अब इस पे हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमें ये गोल टिक्की बनानी है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब ये जो टिक्की है ये इसके बीच में हम डाल देंगे। दोस्तों इस तरह से इसको थोड़ा थोड़ा हमने प्रेस करना है, आंच को हमने स्लो पे ही रखना है। तो इसे पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसे हम पलट देते हैं। अब हम एक फोक लेंगे और इसके अंदर इस तरह से इसको प्रेस करेंगे ताकि ये अंदर से भी पक जाए, कच्ची ना रहे। तो दोस्तों हमारी लाजवाब टिक्की बनकर रेडी हो चुकी है, अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। कि दोस्तों हमारी लौकी और आलू की टिक्की बनकर तैयार हो गई है, आप भी घर पर जरूर ट्राई कीजिए। अगर आज की डिश आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए।